तीन दिन इसी तरह से पानी चालू देंगे, फिर उसके बाद दवा ववा देंगे जिससे कि ये धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो को ना हम लोग सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को बता दूं आज हम लोग कपड़ा उपड़ा जो कि पैकिंग करेंगे, गुड़िया जी अपने रूम को निपाई पोताई करेंगे, और हम लोग ना आज या कल दोस्तों निकलेंगे, क्योंकि घर जाने की तैयारी है जो कि हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग रुके हुए थे इतना दिन इसलिए ना, क्योंकि गुड़िया जी का ब्लड टेस्ट करवाए थे कि कोई बीमारी उमारी तो नहीं है या कुछ की कमी तो नहीं है, तो चार चीज का रिपोर्ट जो कि आ चुका है, और आज एक ब्लड टेस्ट का आएगा, मतलब शुगर उगर की जांच हो रहे हैं, मतलब दो बार शायद शुगर की जांच होते हैं, तो आज फिर से रिपोर्ट मिलेंगे, और आज के अनुसार जो भी रिपोर्ट देखेंगे ना डॉक्टर साहब, उसके अनुसार दवा जो कि छोड़ेंगे, तो दवा ववा लेकर के दोस्तों हम लोग चले जाएंगे अपने घर पे। और घर की ना दोस्तों बहुत ज्यादा हम लोग को याद आ रहे हैं, और गुड़िया जी भी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा याद आता है। चीकू तुमको कहने गए? चीकू दोस्तों रूम में चली गई है, तो सुबह सुबह जो कि निपाई पोताई करेंगे अपने रूम का। गुड़िया जी घर का याद आ रहा है चीकू की ना? चलिएगा घर। घर पे दोस्तों हम लोग चलेंगे, तो अभी जो भी काम है वो दोस्तों फटाफट करते हैं, आप लोग दोस्तों ब्लॉग में कंटिन्यू जो कि बने रहिए। अभी दोस्तों अंकित जी ना पानी लाए हैं इतना सारा, गुड़िया जी मंगवाए हैं। यहाँ पे सरकारी नल है ना, सरकारी नल बंद रहता है तो लाना पड़ता है चापाकल से, उधर साइड में बहुत दूर है, वहाँ से लाना, आधा किलोमीटर पर जाते हैं आराम से आराम से। अभी क्या करेंगे? अभी जाते हैं निपाई करने। इसमें मिट्टी गोबर उबर डाल दें कि बस खाली मिट्टी से कीजिए? मिट्टी बरसात में गोबर से नहीं लिपते हैं। अच्छा, नहीं तो बदबू देने लगता है, अच्छा स्मेल नहीं आता है ना, तो इसी चलते खाली मिट्टी से ही निपेंगे। और ये मिट्टी दोस्तों नदी का है, नदी का ही ना जी? हाँ, जो पास में हम मिट्टी लाने गए थे तो वीडियो बनाए थे, हाँ, तो देखे ही होंगे आप लोग कहाँ से मिट्टी लाते हैं। और उधर मम्मी जी जो की जलावन के पास आ गई है खाना बनाने के लिए। पहले ना गुड़िया जी रहते थे ना, इतना ज्यादा घर को साफ सुथरा में रखते थे कि क्या ही बोलूं, अभी भी रहते हैं, मतलब जगह कम है ना, स्पेस कम है, और इसी में सारा सामान को रखना है। और देखिए घर का स्थिति बहुत ही दोस्तों खराब है, देखिए ना ऊपर से ना ढहाते हैं, है ना गुड़िया जी? हाँ। छोटे छोटे टुकड़े में गिरते हैं, गिट्टी। चलिए जल्दी जल्दी निपाई पोताई कीजिए गुड़िया जी। ये दोस्तों कोई काम का नहीं है बाजा, पीछे रखने से क्या फायदा है, रखे हुए रहते हैं। मम्मी जी को बोल देंगे कि बेच दीजिएगा ये सब, जो खराब है उसे बेच बाच करके हटाने के लिए बोलिएगा। ये है, ये क्या हो गया है बताइए, इसको बेचना चाहिए ना? ना रखे हुए रहते हैं, रखे हुए रहते हैं तो यही सब जगह काटता है ना। सो दोस्तों लिपाई करना शुरू कर दिए हैं गुड़िया जी, कितना देर में हो जाएगा जी लिपाई? आधा घंटा में। और वहाँ घर पर तो दो दो ढाई ढाई घंटा लग, तीन तीन घंटा लग जाता है पाइप पोताई करने में। वहाँ पे बहुत बड़ा जगह है ना, जो कि कोर दिया है मिट्टी लगा दीजिएगा यहाँ पर। हम लोग नहा धोवा कर फिर से हम लोग आज जाना है ना हॉस्पिटल, ये पाइप पोताई करिए, उसके बाद खाना उना खा करके हम लोग दोस्तों निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो गुड़िया जी जो सारा को निप दिए हैं, और ये देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों निपने के बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, मिट्टी से निपाया जाता है ना तो प्लास्टर एकदम फैल हो जाते हैं भाई, मतलब बहुत ही अच्छा लगने लगता है, मिट्टी है लेकिन बहुत ही दोस्तों अच्छा लगता है निपाई पोताई करने के बाद। और खाना भी हमारे यहाँ बन चुके हैं, तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों क्या क्या बना है। तो ये है भुंजिया और चावल, और इधर है चनौड़ी, और इधर दाल, यानी कि दाल भात भुंजिया चनौड़ी। खाओगे चिको? हाँ, पानी गर्म हो गया जी। मेरा दोस्तों पैर में ना सूजन आ गए हैं, देखिए घाव के कारण, तो इसे सेकना है। और अभी आप लोगों को रूम के अंदर लेकर के चलता हूँ, निपाने पोताने के बाद दोस्तों कैसा लगता है ये देखिए, अच्छा लग रहा है चीकू? ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत ही अच्छा दोस्तों लगने लगते हैं। ये कपड़ा उपड़ा वाश कीजिए, फ्रेश व्रेश होकर के बर्तन उतर वाश करके हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल, आज रिपोर्ट लाने हैं दोस्तों और दवा भी लेना। फोन नहीं किए, फोन करके पूछ लेता हूँ। अभी कपड़ा वाश करेंगे गुड़िया जी, खोल ले, निहाने के लिए बोल रहा विराट,
खोल दे। अच्छा। उसमें टब में घुसा हुआ रहता है। हाँ। घुसा दीजिए। सरकारी नाले जो कि चालू है 10 से 11 बजे तक रहते हैं चालू, फिर बंद हो जाते हैं, तो फिर शाम में चालू होते हैं 2 या 3 बजे। छोड़ दे, सारा काम है जो कि इसी समय करना होता है, बर्तन वाश, कपड़ा वाश, नहाना धोना सब इसी टाइम। चलिए फटाफट से कपड़ा वाश कीजिए। ये जी कपड़ा वाश कर लिए हैं और अभी मेरे लिए ना खाना निकाल रहे हैं, मेरे को ना दवा खाने, इसलिए सुबह सुबह खा ले रहे खाना। चीकू भी खाने के लिए बैठ चुकी है और पीहू भी। ए खाओगी पीहू? आई दी खाओ, चलिए खाते हैं, चलो खाते हैं। हाँ दोस्तों अभी खाना खाना शुरू कर दिए हैं, काफी दोस्तों टेस्टी बना हुआ है, दाल चावल चटनी इधर, टमाटर की चटनी। पहली चीज हो गया भुंजिया, चटनी चटनी चनौड़ी, दाल चावल, और ये चीज नहीं खाएंगे। पीहो दोस्तों पाए पटाए करने के बाद हम लोग स्नान कर लिए, और स्नान करने के बाद खाना वाना खाकर तो हम लोग हॉस्पिटल में जो कि आ चुके हैं, और डॉक्टर साहब को ना रिपोर्ट भी दिखा दिए, और रिपोर्ट डॉक्टर साहब देखे ना तो बोले डॉक्टर साहब ना कि 3 दिन लगातार 3-3 बोतल पानी जो कि इनको चढ़ाए जाएंगे। और देखिए गुड़िया जी यहीं पे लेटे हुए हैं, और 2 बोतल दोस्तों पानी जो कि चढ़ गया है, आप लोग को दिखाता हूँ। एक इधर है बाटली, ये देखिए ये भी चढ़ा है गुड़िया जी को, और एक ठो लगा हुआ है, और एक ठो गुड़िया जी एक ठो और कहाँ एक ठो शायद दोस्तों कंपाउंडर साहब हैं जो कि बाहर ले गए हैं। कैसा लग रहा है गुड़िया जी? ठीक है ना? नहीं में दोस्तों दवा जो कि जो दिए जाते हैं ना वो दे दिए, और इनको ना शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो गए हैं जिसके वजह से ये पानी चढ़ाए जा रहे हैं। तो 3 दिन लगातार 3-3 बोतल चढ़ाए जाएंगे। और भी बहुत सारे कमियां हैं, विटामिन की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, शुगर लेवल बहुत ही कम है, तो वो सारा कुछ का अभी इलाज चलेगा। कम से कम कितना दिन? हाँ 3 दिन इसी तरह से पानी चालू देंगे, फिर उसके बाद दवा ववा देंगे जिससे कि ये धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाए। अब आना नहीं है, ठीक है? ठीक लग रहा है ना उससे? ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं ना फील हो रहा है? चलो अच्छी। ये लास्ट बोतल है, इसके बाद ना हम लोग जाएंगे घर पे। आए हुए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब से भेंट उठ करे तो वहाँ दोस्तों लोग शूट नहीं कर पाए, क्योंकि कोई भी चीज़ का दोस्तों प्राइवेसी होते हैं ना, तो इसी चलते हैं। तो अपने में ही दोस्तों लोग बना रहे हैं, डॉक्टर साहब लोग के मतलब रहना भी सही नहीं रहता ना, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, तो इसी चलते सारा चीज़ आप लोग को नहीं दिखा पाए। बट इससे दोस्तों आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि 3 दिन लगातार 3-3 बोतल चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनके शरीर में कुछ दिक्कत होंगे तभी ना, बाकी धीरे धीरे दोस्तों ठीक हो जाएंगे। आप लोग दोस्तों भगवान से प्रे कीजिएगा, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, जैसे ही पानी में चढ़ेंगे दवा वाले करके दोस्तों हम लोग चलेंगे घर, और वहाँ पर जाकर दोस्तों आप लोग को बताऊंगा कि हुआ क्या है। फैमिली इस वीडियो को ना हम लोग नेक्स्ट दिन कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी सुबह का समय हो चुका है। कल दोस्तों हम लोग ना रात में आए थे पानी चढ़ा करके हॉस्पिटल से, मैं और बस गुड़िया जी ही थे वहाँ पर, तो 3 बोतल दोस्तों कल ना पानी चढ़े हैं, ठीक है? और हम लोग सुबह में ही चले गए थे, रिपोर्ट वपोर्ट आने में थोड़ा सा लेट हो गया। हम लोग गए थे 10 बजे और रिपोर्ट आए थे कितने बजे गुड़िया जी? 2 बजे ना? दो बजे आए हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब देखे तो बोले कि बहुत चीज़ की कमी है और शरीर में इनका इफेक्ट, उसके लिए ना 3 दिन लगातार दोस्तों 3-3 बोतल पानी चढ़ाए जाएंगे, और उसमें उसमें दवा छोड़ेंगे जिससे कि इनका शरीर में ना जो भी पानी के द्वारा ही जाएगा। हाँ शायद हाँ, और इस तरह से क्लियर करेगा। तो 3 दिन लगातार यानी कि 3-3-6-3-9 बोतल पानी, और बहुत सारा जो कि दवा चलेंगे, और बोल रहे थे 14 या 15 या 16 इंजेक्शन पड़ेंगे, मतलब 16 इंजेक्शन भी पड़ सकते हैं गुड़िया जी को। अब देखिए आज जाएंगे, कल पानी चढ़ा करके आए हैं रात में ही, और फिर आज जाएंगे तो फिर इनको 3 बोतल पानी चढ़ेगा और इंजेक्शन पड़ेंगे, और फिर कल यानी कि फिर मैं कल जाऊंगा तो 3 बोतल पानी चढ़ेंगे, यानी कि टोटल 9 बोतल पानी चढ़ेंगे इनके शरीर में। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर रुके हुए भी हैं, नहीं तो हम लोग कब का चल जाते हैं अपने घर पे, क्योंकि ये मेरा लोकल बाजार हुआ, मार्केट हुआ,
क्लिनिक हुआ, हॉस्पिटल हुआ, जो भी है, तो यहाँ पर हम लोग को अच्छे से जानकारी है कैसे क्या किधर क्या है, तो उसी अनुसार हम लोगों ने यहीं पे ब्लड टेस्ट करवाया और सारा कुछ करवा रहा हूँ ताकि मतलब अच्छे से गुड़िया जी ठीक हो जाए, क्योंकि खाने के बाद भी गुड़िया जी का शरीर बढ़ने के बजाय घट रहे थे और ऊपर से ताकत वाला पानी भी चढ़ाते थे तो 1 से 2 दिन ठीक, फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम, तो सर अगर जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो ना हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग दोस्तों चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।